इतने टाइम बाद भाई मैं फोन पकड़ रहा हूँ ना, मतलब व्लॉगिंग के लिए, तो ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं क्या क्या ही कर लिया, मतलब ऐसे ना आदत से छूट गई थी। गुड मॉर्निंग सब भाई, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत सीधे सीधे गाड़ी से हुई है। और इतने टाइम बाद भाई मैं फोन पकड़ रहा हूँ ना, मतलब व्लॉगिंग के लिए, तो ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं क्या क्या ही कर लिया, मतलब ऐसे ना आदत से छूट गई थी। तो अभी जस्ट पकड़ा हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, हो जाएंगे एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। फिलहाल भाई आज मेरा पेपर, और पेपर से याद आया भाई इतने टाइम से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे चल रहे थे भाई पेपर। पेपर भी ये होते हैं ना कि एक दिन छोड़ दो या फिर दो दिन छुट्टी करके फिर अगला पेपर होता है, ये भाई लगातार पेपर है, एक पेपर फिर अगले दिन दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। 11:45 हो चुके हैं और मतलब 5 से 7 मिनट में मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा। बस भाई पार्किंग का इशू ये प्रॉब्लम कर जाता है जब भी गाड़ी लेकर जाता हूँ। भाई फाइनली हो चुके हैं पेपर खत्म, आज लास्ट पेपर था और सही हो गया, बढ़िया हो गया, मतलब ठीक है हो गया, बस चले गया। मतलब अभी चलते हैं भाई, अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी चलते हैं खाने पीने, 1:15 नहीं 1:30 बज चुके हैं, खाने पीने चलते हैं। अभी दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ गाड़ी आया था लेने के लिए, पिक करने के लिए। कैफे में चल जाएंगे कि दुकान में चलते हैं, बस चलते हैं भाई। तो गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्लास में AC भी नहीं चल रहा था, AC भी मतलब पता नहीं क्या हो गया, हमारी किस्मत ही इतनी गंदी है। और एक रूम भी ऐसा मिला जहाँ AC नहीं चल रहा है और इतनी गर्मी हो रही है, AC जला दिया, थोड़ी देर रुकता हूँ ठंडा होने देता हूँ उसके बाद चलते हैं। अरे पहले मुझे लगा तुमने ना, पहले मुझे तुमने गाड़ी मोड़ी ना, इसको देख लिया तुमने गाड़ी मोड़ के तुम चले गए। काट दूंगा ना, काट दूंगा, गंदी सी आवाज आएगी। तिलक नगर वाला तो पागल है, अबे तो बीच में कहाँ पे छोड़ रहा है तू? मैं जनकपुर छोड़ दूंगा ना, जनकपुर तेरे घर से पास है यार, पीछे तो है। बस ठीक है जनकपुर जो लोग भाई, खाना पीना डन, अभी निकलते हैं अपने घर के साइड। और बाकी अर्पिता और संजीवनी को छोड़ दिया हमने तिलक नगर में, बाकी मैं बाद निकले घर के साइड से, वहीं से पकड़ लिया फिर डाबरी से पकड़ लिया तो। हाँ जोन सा भी कहीं से भी कुछ, मैंने बताया तो मैं आ रहा हूँ भाई, कहीं से भी कहीं भी कुछ भी पकड़ लेता हूँ मैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं, जहाँ कोई कहीं भी उतार दे कहीं से हम घर पहुँच जाएंगे बस। है तो घर जाएगा, वहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? घर जाऊँगा, छुट्टी है। हाँ छुट्टी ले रखी है। चलो भाई बादल को छोड़ दिए सेक्टर 1 स्टैंड पे, RTO ले लिए उसने, RTO पकड़ के निकले घर। अभी भाई घर चलते हैं, और घर पास में है मेरा, 5 मिनट के पीछे ही है, घर चलते हैं भाई। गर्मी बहुत लग रही है मुझे, मैं तो अंदर AC में बैठा हुआ था तो अंदर इतना पता नहीं लग रहा था, जैसे ही बाहर निकला है देखना पूरा पसीना पसीना पागल हो चुके हैं। अभी चलते हैं भाई AC चलाते हैं फटाफट और निकलते हैं घर के साइड। रमेश लेग्स एंड शोल्डर, अरे 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 अरे, ये तो रास्ता ही बंद है, तो सामने भाई, अरे क्या हो गया, रास्ता ही बंद है पहले। ओहो चलो कोई नहीं, लेते हैं U-turn, अब जगह नहीं निकलने के लिए, ऊपर से मैंने लेफ्ट लेना रही है, बस वाला बीच में इसने अटका दी, इनको भाई अलग ही चुल रहती है अलग। नाम है इसका गोकुल गार्डन। हाँ भाई पहले बहुत आते थे भाई क्रिकेट खेलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुबह से उठना यहाँ पे आना, हम पहले सेक्टर 6 का प्लान बनता था पर सेक्टर 6 भाई ज़्यादा दूर हो जाता था, इसलिए हम यहाँ पे जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। कोई नहीं, बहुत टाइम हो गया ब्लॉग में आए हुए छुपा कर क्यों छुपा रखे मुँह? हद है मतलब। भाई पहुंच चुके हैं घर और अभी खाते हैं खाना, मतलब खा के तो आया था पर ठीक है, राजमा चावल देख के भाई मन करके खाने का, ज़्यादा नहीं खा रहा एक ही और जो भी है राजमा देख के मन करके खाने का, एक ही रोटी ज़्यादा नहीं खा रहा। और मम्मी भाई अब तो दिख गई शक्ल, अब शक्ल दिख गई है, लड़ो
कैमरा लाया लटने के लिए, आप तो चुप ही हो गए दोनों। चलो बोलो उसको, क्यों बोलो बोलो शांति हो गया रहते यार। तो खानी और कुछ नहीं है मेरे से, रात को बोली ना मेरे पेट में दर्द हो रही, फिर देखिए मैं तक दवाई कुछ भी नहीं दूंगी। आलू पचेंगे ना उबलेंगे, इसके पेट में लगेगा पता, इसको उछाले मारेंगे। भाई आप लोगों को खाने का मन नहीं है ना, तो आलू में इतने नुक्स निकाल रहे हो, इतने नुक्स ही निकाल रहे हो, तेरी रात की चुप रहो की वजह से कर रही हूं मैं। कभी भी बन जाती है, कौन समझाए भरा हुआ। कौन सी मूवी देखने जा रही है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अपने आप से प्रोग्राम बना लेते हो है ना, बताना कुछ है। तब क्या वो बनाए कि हम मूवी देखने जाए, हम मूवी देखने जाए बोलना पड़ता है पेरेंट्स को। तो बताऊंगी ना आज पापा आएगी शाम को, पापा को बताऊंगी क्या मैं जा रही, पैसे दो। ऐसे तो ना होता है, मान पहले बताना पड़ता है कि पापा जाना है, बनाए पर जाए कि नहीं जाए। कब का बना रहे पापा को, कब का पता कितने, जब आप थे भी नहीं पापा तब से। मैं पैदा ही नहीं हुई थी ना, थी नहीं मैं, अभी आई हूं मैं धरती पे। कैमरा तोड़ देना मैं नहीं, जब तक लकी लेके बैठ जाता है इसको। तो मैंने मम्मी बोला फ्रूट्स का, मम्मी रहा हाँ है, सेब एप्पल भी है, सब कुछ है, यहाँ का मिला सिर्फ बनाना। तो खीरा नहीं काटा, पनीर तो काटा नहीं है, पनीर में देख रोका लगी हूँ ना। चलो भाई ये खाते हैं, बड़े काम करके आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे बोल रहा है। यस, ब्रेड ब्रेड ले लिए, सिर्फ पीनट बटर, बनाना, खीरा, थे क्या ये पनीर, ये खाते हैं। मम्मी ने ये जो वाइट टी शर्ट थी फॉर्मल वाली जो मैं कॉलेज पहन के जा रहा था, प्योर वाइट, अभी नई नहीं ली थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा पहनते हुए, और वो भाई किसी कपड़े के साथ धोई है, मशीन में डाली है, उसमें चढ़ गया रंग। नहीं दिखने में नहीं है ठीक भाई, ये देखो नीला नीला नीला, ये पूरा, ये देखो ये पूरा नीला, अरे कबाड़ा, ये देखो वो तो छोड़, मुझे लगा चल चल जाएगी, ये देखो क्या चलेगी अब ये शर्ट। चलो भाई आप भी साइड में हो जाओ। मम्मी बोल रही भाई थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, मैं चल ठीक है थोड़ा थोड़ा है, लाइट लाइट है तो चल जाएगा, ये थोड़ा भाई तो छोड़ो भाई, अब नई शर्ट लेनी पड़ेगी। अभी बज रहा है 5:30, 5:30 ही 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट है 6 बजने को, अभी जिम चलते हैं। लो भाई रीच जिम, और बाकी भाई रोहित को फ़ोन किया था तो बोल रहा अभी टाइम लगेगा उसको 15-20 मिनट, तो ऊपर चलते हैं वार्म अप करते हैं तो वो भी आ जाएगा। बाकी भाई शीशा गंदा हो रहा है, इसको इग्नोर करना, मिलते हैं आपसे जल्दी जिम के बाद। मैंने मम्मी को बोला फ्रूट्स का, मम्मी हाँ है, सेब एप्पल भी है, सब कुछ है, यहाँ क्या मिला सिर्फ बनाना। तो खीरा नहीं काटा, पनीर तो काटा नहीं है, पनीर में देख रोका लगी हूँ ना। चलो भाई ये खाते हैं, बड़े काम करके आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे बोल रहा है। यस, ब्रेड ब्रेड ले लिए, सिर्फ पीनट बटर, बनाना, खीरा, थे क्या ये पनीर, ये खाते हैं। भाई ने बोला तेरे लिए कुछ लाए खा ले, गिन के क्या मिले सिर्फ 2 पीस रोल के, और बाकी ऐसे बड़ा पेट खराब था, बड़े उछल रही थी रात में, पेट खराब है पेट खराब है। हाँ 2 पीस बचा दे उसको, मतलब 2 ही बचाने, 2 पीस बोल के कितने पीस आए थे, 8 पीस और 2 पीस बचाए हैं, 3 तो बचा दी थी कम से कम, लो फ्लो में खा गई, 2 पीस बचाए इसने। चलो कोई नहीं, ये खाते हैं ब्रेड, खाते हैं साथ में पनीर। खाना पीना करके भाई हम आ चुके हैं अपने रूम में, और बाकी भाई पेपर हो चुके हैं मेरे सारे ख़त्म, सारे भाई लगातार थे, लगातार भाई परेशान हो जाते हैं, एक दिन छुट्टी मिलता है ना तब भी ठीक रहता है, नहीं तो सारे एक दिन दूसरा, मतलब एक दिन पेपर फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर चौथे दिन, ऐसे नॉन स्टॉप होते तो भाई पागल हो जाते हैं, एक दिन रेस्ट भी नहीं मिलता है। मतलब कोई नहीं, पेपर फाइनली कम्प्लीट हो चुके हैं, और कल है मेरा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल देने जाना है, बाकी उसके बाद सब कम्प्लीट हो जाएगा। फिलहाल भाई करते थे वीडियो को यहीं पे क्लोज, होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं आपसे किसी ऐसे बड़े से ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।